ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। आई लव यू गाइज। मेकअप वाला वीडियो शूट करने वाली हूँ। सी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये 31st का वीडियो है, जो कि ये आपको पता नहीं कब मिलेगा। सो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है एंड कि मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ ब्रेड टोस्ट। काफ़ी टाइम से हमने खाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड टोस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर लेते हैं अभी से ही। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, गरम कर लिया था उसे, और उसमें मैंने हींग डाल दिया, प्याज डाल दिया। उसे अच्छे से भुनने दूँगी, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का हल्का भुनेंगे। ठीक है, जब वो भुन जाएगा तो ये मैंने आलू को बॉयल कर रखा है, थोड़े से बचा लूँगी मैं नन्नू के लिए, ऐसे ही खाने के लिए। तो मैंने डाल दिए इसे, अब हिलाएंगे और अपने जो भी मसाले आपको इसमें ऐड करने हैं। नमक डाल दूँगी थोड़ी सी, मैंने लाल मिर्च डाली है एंड गरम मसाला डाला है इसमें, मैंने सूखा धनिया डाला है। और आप इसमें चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो, मैगी मसाला डाल सकते हो, जो भी आपको टेस्ट लेना है। इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, मैंने नन्नू के घर के नहीं डाला है। अगर आपको मिर्च हरी मिर्च पसंद है, आपके बच्चे भी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हो, तो आप इसमें डाल सकते हो, और मैंने नहीं डाली है। तो बस इसे अच्छे से हिला लेंगे और 5 मिनट तक मैं इसे रखूँगी गैस पे, देन मैं इसे बंद कर दूँगी। ये मैं इसलिए पका लेती हूँ, जब टोस्ट बनाते हैं ना तो उसमें कच्चापन भी नहीं आता और अच्छे से फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने टोस्टर निकाल रखा है और साथ में चाय रख दी है, और साथ में हस्बैंड के साथ चल रही हैं बातें, और आज मेरे को एक मेकअप शूट भी करना है। तो और ये आज की जो वीडियो है, ये बिहाइंड द सीन है मेकअप से पहले मैं क्या क्या काम करती हूँ घर में, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है एक वीडियो के लिए, कितना टाइम लगता है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपना घर, अपना बच्चा, अपने किचन को, वही सब मैंने दिखाया है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना। और बस यहाँ पर मैंने अपना फीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं ब्रेड पे बटर लगा रही हूँ हल्का सा, और उसमें मैं ये जो आलू हैं फिल कर दूँगी। देन पहले मैं सारे ब्रेड में आलू की जो फिलिंग है वो भर लूँगी, देन मैं एक साथ टोस्ट करूँगी। तो इस टोस्ट में ना दो आ जाते हैं। तो इसमें मैं पहले हल्का हल्का सा बटर लगा रही हूँ ताकि ब्रेड जो है वो चिपके ना, और आप देख ही सकते हो। और आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था ये भी बताना, और आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बता ही देना। सो बस यहाँ पर मैंने ब्रेड रख दी है, और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा मैंने वो लगा दिया था बटर। और बस ये देखो, अभी इसमें रेड लाइट चल रही है और मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट के बाद ना ये जो साइड में हरी वाली लाइट है ना, ये ऑन हो जाएगी, इसका मतलब हमारे जो टोस्ट है वो रेडी है। तो अभी देखना रेड लाइट हो जाएगी इसमें, ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा ग्रीन सिग्नल आ चुका है, इसका मतलब हमारे जो टोस्ट है वो रेडी है। तो मैंने प्लेट ले ली है सर्व करने के लिए। आप सबको पता ही है, सबसे पहले जाता है नन्नू, नन्नू के पापा, फिर मैं बाद में खाऊंगी। और बस मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और देख लो हमारे जो टोस्ट है वो रेडी है, गर्मा गर्म, सर्दियों का मज़ा। तो लीजिए, हमारे जो टोस्ट हैं वो रेडी हैं गर्मा गर्म। और जल्दी से बताओ कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इसे देख देख कर किसका मन कर रहा है खाने का, सच्ची सच्ची बताना। अब मैं अपना मेकअप वाला वीडियो शूट करने वाली हूँ। सी मेकअप सारा बाहर है, और टाइम देखो 7:30 हो चुकी है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं, फिर डिनर टाइम भी हो जाएगा। सो गाइस, मेकअप ऑलमोस्ट डन है,
लैशेस रहती हैं और अपने हेयर्स को मुझे कर्ल्स करना है एंड फाइनल लुक क्रिएट करना है जो कि अभी नहीं हुआ है। तो टाइम हो चुका है 9:15, तो जाना है किचन में डिनर बनाना है क्योंकि अभी तक डिनर नहीं हुआ है, वेट कर रहे हैं सारे। ऑलमोस्ट मैंने अपना मेकअप पैक कर लिया जो कि हो चुका है, और अभी ना मेकअप की जो जगह है वो भी चेंज होने वाली है। अभी तक मैं अंदर कर रही थी, बाहर बैठे थे, डिनर करने के बाद सारे अंदर आ जाएंगे और मैं बाहर शूट करूँगी। तो चलो किचन में चलते हैं, डिनर बना लेते हैं और डिनर सब करते फिर मैं अपना शूट करूँगी। ये देखो गाइस, अभी शूट मेरा पूरा नहीं हुआ है और उसी बीच मुझे आना पड़ गया है अपना किचन में। जो हाउसवाइफ होती है, लाइक फुली लाइफ में आ गई हूँ मैं अपने शूट से निकल कर। ओके, यहाँ पर मैंने आलू जो बॉईल करे थे वो बच गए थे, मैंने सोचा था आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, बट टाइम जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हस्बैंड बोले चलो तुम आलू के परौंठे बना लो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा और हमारे को भी भूख लग गई तो जल्दी जल्दी खा लेंगे। और बस मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ, देन मुझे आटा गूंदना, आटा लगा लूँगी और उसके बाद मुझे बनानी है परौंठी, देन मैंने साथ साथ बनाई थी चाय। तो और सीरियसली दिस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और आप देख ही सकते हो हल्की हल्की मेरे हाथ से भी कांप रहे थे। एनीवेज काम तो करना ही है। बस मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, आटा मैंने लगा लिया आप देख ही सकते हो, और मिल्टन की बोतल में डाल दिया है और रसोई का मैस देख ही सकते हो कितना ज़्यादा हो चुका है। और अभी आपको आगे कुछ और भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना हस्बैंड ने सॉन्ग चला रखे थे बहुत लाउड में, तो मैं यहाँ पर करने लगी थी डांस क्योंकि ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डांस करते करते खाना बना लेते हैं, मज़ा भी आएगा और पता भी चलेगा कब काम हो जाएगा। मेरा डिनर बन चुका है, सब कट गया है, अभी मैंने नहीं खाया, चाहे मीट ठंडी हो जाएगी तब मैं खाऊंगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने बालों को कर्ल्स क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और मैं उससे पहले लगा लूँ यहाँ पर सीरम मैट्रिक्स का। अरे क्या हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, मेरे लिए तो आज खाना बनाना ही बड़ा मुश्किल हो गया था, बना ही नहीं जा रहा था, इतनी ठंड लग रही थी। सिरम लग चुका है, पहले इस मशीन को लगा देती हूँ, देन जो भी सूट रह गया वो मैं बाहर जाके करूँगी अभी। मेकअप तो मेरा रिमूव नहीं हुआ है आप देख सकते हो, हल्का सा टचअप करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा जल्दी से, तो बस इसको मैं लगा देती हूँ। सी ऑन कर दी है, तो कल्स मेरे हो चुके हैं और रिमोट हाथ में आ चुका है, नाटक भी चल रहा है मेरा और मैंने डिनर भी कर लिया है, और सी मेरा मेकअप का सामान सारा यहाँ आ चुका है। तो मैं अपने मेकअप वाली वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के बाद। गाइस फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है और मैंने फाइनल शूट भी कर लिया है, टाइम हो रहा है 11:30, दिखाऊँ आपको, देखो 11:30 हो गई है और नन्नू नन्नू के पापा सो चुके हैं, न्यू ईयर स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया है, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कभी काम भी रहता है, ये देखो मैस मम्मी बहुत ज़्यादा मैस है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको अपनी किचन की हालत दिखाती हूँ क्या हो रही है, जो कि मुझे अभी उसको भी क्लीन करना है, वीडियो भी एडिट करना है, आई डोंट नो कब होगा, और सुबह जल्दी भी उठना है मम्मी। तो भैया खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले तो मैं ये लैशेस को रिमूव कर लूँ क्योंकि ना बहुत हैवी हैवी लग रही है, फिर हम काम करेंगे, मेकअप रिमूव, देन किचन को क्लीन करना है। भाई उतर जा, उतर नहीं रही, मैं अपने ये भी रिमूव करूँ, बहुत
तंग कर रहे हैं मुझे लाइक बहुत ज़्यादा। आउच, ये देखो रेड भी हो रहा है ना। और ये देखो जो मेरा मेकअप था एज इट इज़ ऐसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रीज करिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एलर्जी भी हो रही है इस वजह से, अदरवाइज क्रीज नहीं करता। बेस काफ़ी अच्छा है और सही में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ठंड जो है जबरदस्त वाली हो रही है, जबरदस्त वाली करना है। बात कितनी ठंडी सी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। मैं पहले आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, किचन की हालत दिखाती हूँ, फिर करते हैं मेकअप रिमूव। सो यहाँ देखो मेरी किचन की हालत, लाइक जन्मों से जैसे हुई नहीं है वैसे इसकी हालत हो रही है। बर्तन करने का बिल्कुल मन नहीं है बट करने पड़ेंगे क्योंकि मैं रात को छोड़ती नहीं हूँ। तो फटाफट ना मैं अपना थोड़ा जो है साफ़ कर लेती हूँ, फिर अपनी किचन को साफ़ करूँगी। और पीछे टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो थोड़ा नींद सरप्लस पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है तो वही चल रहा है। चलते चलते हम अपना मेकअप रिमूव कर लेते हैं, देन हम करेंगे किचन को क्लीन, फिर मुझे करनी है वीडियो एडिट, फिर सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है। तो चलो फटाफट काम कर लेते हैं, बातों से काम नहीं चलेगा ना, जल्दी से आप मेकअप कर। ठंड बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है। पहले अपने ना ये नेल्स उतार लेती हूँ क्योंकि इनके इसके अरे बाप रे बाप, क्योंकि ये नहीं उतारूंगी तो काम भी नहीं आएगा। अरे सो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ शेयर करिएगा टेक इट ऑफ मेकअप रिमूवर बाम एज यू कैन सी, और इसे मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ लाइक काफ़ी बार, और अच्छे से रिमूव कर देता है। ये देखो कितना ख़त्म कर चुकी हूँ इसे। सी गाइस आप देख सकते हो कि मैंने इसे कितनी क्वांटिटी में लिया है। पहले हम अपने फिंगर पे ऐसे इसे ब्लेंड करेंगे, देन इसे अपने फेस एरिया पे मसाज करनी है। 5 मिनट तक के लिए आप मसाज करोगे ना, आपका जो मेकअप है इजीली निकल जाएगा और सारा मेल्ट होता जाएगा। आप देख ही सकते हो एक ही बारी में निकल जाएगा। और इसकी MRP मैं आपको बता दूँ, 349 की इसकी MRP है, 3 ग्राम की इसकी हमें नेट क्वान्टिटी मिलती है, एंड इसकी सेल्फ हेल्प में 2 ईयर्स की मिलती है। काफ़ी अच्छा ये रिमूवर है, तो अगर आपको लेना है तो आप लिंक के थ्रू ले सकते हो। और मसाज करने के बाद मैंने यहाँ पर वाइप्स लिया है, वेट वाइप्स, और उसी के हेल्प से मैं ये सारा मेकअप रिमूव कर रही हूँ। सी आप देख ही सकते हो एक ही बारी में सारा मेकअप निकल चुका है, बेस जो भी मैंने लगाया था फाउंडेशन वगैरह। तो अभी मैंने फेस का मेकअप रिमूव करा है, आई का मैं अलग से करूँगी। सेम मैंने यही वाला बाम लिया है और कम क्वांटिटी लिया मैंने क्योंकि मुझे आइस का करना था ना, तो बस आइस पे मैं अच्छे से इसको मसाज करूँगी। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा हार्डली नहीं करना, बिल्कुल लाइट हैंड से करना है आपको। मसाज करोगे, मसाज करते करते ही आप भी देख सकते हो ये इजीली निकलता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है हमारा जो भी मेकअप या आई शेडो है। थोड़ा सा टफ था क्योंकि मैंने इस पर ग्लिटर लगा रखा था और ग्लिटर तो आपको पता ही है कि थोड़ा मुश्किल से निकलता है, बट एनीवेज आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट सारा ही निकल ही चुका है। थोड़े बहुत जो हैं पार्टिकल्स रह गए हैं उसके ग्लिटर के। सी उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया था वॉशरूम में जाकर, और क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई। सो यहाँ पर मैंने फेस वॉश लिक्रिश का लिया था, गुड वाइब्स का, जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स का लिक्रिश ब्राइटनिंग टोनर। सी अच्छा है, अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। प्राइस की 195 की है, 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स की सल्फेट मिल जाती है और ये हमारे स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लो बनाता है, हाइड्रेट करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। और इसे ड्राई होने देंगे, एंड ऑल स्किन टाइप है ये, कोई भी यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड कॉम्बिनेशन के कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके तो इसे मैंने यूज़ कर लिया है, तो इसे ड्राई हो देते हैं। हाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, मेकअप भी नहीं कर रही हूँ तब भी ये होती जा रही है, आई डोंट नो किस वजह से हो रही है। डॉक्टर से दवाई भी ले चुकी हूँ वो भी असर नहीं कर रही है, आई डोंट नो, या तो पता नहीं किस वजह से हो गया है, तो जल्दी से ठीक हो जाए, बस इस वाले एरिया पे ही है। फिर मैंने लिया है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो कोकोनट वाइटनिंग एज ब्राइटनिंग क्रीम, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस क्रीम का। आप देख ही सकते हो कितनी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, मेरी और ड्राई स्किन है। सी अच्छे से हाइड्रेट कर देती है, और इसे आपको मॉर्निंग नाइट में दोनों टाइम लगा सकते हो, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगी और क्या कहते हैं ड्राई नहीं होने देगी बिल्कुल भी। तो मेरी साइड से
रिकमेंड है, आप अगर लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। उसके बाद मैंने ये बायोटिक का बायोफ्रूट्स लिप बाम लिया है, वाइटनिंग लिप बाम, और ये मेरी थर्ड टाइम मैंने इसे लिया है। और रेगुलरली आप देख ही रहे हो मेरी वीडियोस में, मैं इसे यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा वाला टिंट आता है, एक रेडनेस वाला ना, आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है बायोटिक का क्या नाम है इसका, बायो आलमंड स्मूथनिंग एंड नरिशिंग आई क्रीम। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मेरे एलर्जी हो रही है, तो इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया है। तो मैं 2-3 दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही है, रिलैक्स मिलता है मुझे। मेकअप से तो एलर्जी नहीं है, बिकॉज मैं मेकअप भी नहीं कर रही, तब भी मुझे हो ही रही है एलर्जी। तो देखते हैं इसे ठीक होती है नहीं होती, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी है या नहीं है। स्मूथ तो करती है ये, एंड जो स्किन केयर है वो डन हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ किचन में, फटाफट अपनी किचन कंप्लीट करती हूँ, वीडियो करती हूँ, लाइव करती हूँ, और कल मिलते हैं नई सुबह नए व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, टाटा, लव यू गाइस।